शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक कपड़े धोने का साबुन जी। इसके कितने पैसे हुए? ये सब हुए 20 रुपए और 75 रुपए पुराने बाकी हैं और टोटल कुल हुए 95 रुपए। आप ऐसा कीजिए, ये सब चीजें मेरे हिसाब में लिख लीजिए, अगले महीने में सब चुका दूंगी। सॉरी, पिछला बिल चुकता किए बिना मैं आपको और उधार नहीं दे सकता। ये लीजिए अपने पैसे। ठहरो, ये पैसे आप मत लीजिए। जॉनी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ये मदद नहीं, ये मेरा फर्ज है। मैं जानता हूँ बेटे, तुम मुझसे नफरत करती हो, करनी भी चाहिए, मैं हूं इस लायक। अच्छा सुनो, बाप समझ करना सही, एक हमदर्द समझ कर कबूल कर लो। ये मेरी हराम की कमाई नहीं, मेरी मेहनत की कमाई है। मैंने एक बार नहीं 100 बार कह दिया है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जॉनी, देखिए, आप ये चीज वापस ले लीजिए, अगले महीने मुझे नौकरी मिलते ही मैं आपके पैसे चुका दूंगी। रूपा, मुझे एक बात याद आ गई। कल ही मेरे मालिक अपनी बीवी से बात कर रहे थे, उन्हें अपने बच्चों के लिए एक टीचर की जरूरत है, 200 रुपए महीना देने के लिए तैयार है। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात कर लूं। बेटी, मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, मुझे एक अच्छा काम करने का मौका तो दो प्लीज। आ बेटिया, आ। आ जाओ। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कहीं ऊपर खेल रहे होंगे। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं मेम साहब को बुलाता हूँ। बैठो बैठो, जाओ। बच्चों के आने तक तुम चाय पियो, इसे अपने घर समझो, मैं मेम साहब को लेकर आता हूं। हैं? घबराना नहीं। चाय पिएगा? तुम्हारी मैम साहब बहुत अच्छी लड़की है, बच्चों पर तो जान देती है। आप देखकर कहेंगे जॉनी कितनी अच्छी लड़की लेकर आए हो। अच्छा रूपा, देखो साहब आए हैं। रूपा, रूपा साहब आए हैं। अरे इसकी तबीयत तो ठीक है? चाय में गोली डाली थी ना, उसका असर है। तब तो जॉनी इसे फौरन अंदर वाले कमरे में ले जाना चाहिए। हाँ साहब, थोड़ी देर आराम करेगी तो इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ साहब, चलिए। साहब, हाँ, मेरा काम तो पूरा हो गया। अच्छा, ये लो। एक और। सब एक और, एक और। शट अप। और सुनो, अभी तुम जाना नहीं, शायद तुम्हारी कुछ जरूरत पड़े। साहब, गला खुश्क हो रहा है, बहुत दिनों से अंग्रेजी नहीं पी। चाओ पी लो, लेकिन ज्यादा मत पीना वरना मारूंगा। चाओ।
क्यों? और अब मैं तेरे होश ठिकाने लगाती हूँ। की हड्डी बुरी तरह से क्रश हो गई है, गैंग्रीन होने का डर है। जान बचाने के लिए पैर एम्पुटेट करना जरूरी है। व्हाट ए ट्रेजेडी, इतनी कम उम्र में पेशेंट हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगी। इसीलिए तो मैंने आप लोगों को बुलाया है कि बेचारी का पैर किस तरह बच जाए। लेकिन पांव काटने के बगैर कोई चारा नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा एक पैर कट जाएगा, जीऊंगी कैसे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, मेरा पैर ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मुझे 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 अपाहिज होने से बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मुझे अपाहिज होने से बचा लीजिए। मैं डॉक्टर रूपा, अपनी पूरी कोशिश करके पेशेंट को अच्छा कर दूं, मेरा फर्ज है। इसलिए मैंने दूसरे डॉक्टर्स को बुलाया, उनसे मशवरा किया और सभी की यही राय है कि एम्पुटेशन करना ही होगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं। बस काटिए मेरा। कल सुबह ऑपरेशन होगा। हिम्मत से काम लो, बी ए ब्रेव गर्ल।